डॉक्टर्स कराई है। ये इसलिए भी ज़रूरी है जब देश के हालात ऐसे हों कि आपको गाय के नाम पे मारा जाए, हेट वायलेंस हो, आपको लव जिहाद के नाम पे मारा जाए, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे सामने से हमला हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमें ये हक देता है, हमें बराबरी का हक देता है, हमें खाने पीने का हक देता है, हम किससे शादी करेंगे ये हक देता है, पर जब उसी पे हमला हो तो ज़रूरी है कि आप उठ खड़े हैं और सड़कों पे अपनी आवाज़ उठाएं। जिस तरीके की हेट क्राइम हम लगातार देख रहे थे, चाहे वो गाय के नाम पे हो, जो आंकड़े कहते हैं कि 2010 से लेके 2018 तक 33 से ज़्यादा इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें से 27 मुसलमान लोग मारे गए हैं, बाकी दलित मारे गए हैं। तो ये सवालिया निशान उठाता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं या अब जो मौजूदा सरकार है वो किस दिशा में उसको बढ़ा रही है। इसी के साथ साथ आप मॉब लिंचिंग देखिए, बच्चा चोरी के नाम पे जो झारखंड में हुआ है, लगातार एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट की जाती है कि किसी ने बच्चा चुराया है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है, बाद में वो जो न्यूज़ है वो फेक निकलती है। लगातार इस तरीके के जो हमले हैं, जो यूथ है जो कि अपनी मर्जी से रह सकता है कि उसको किसके साथ रहना है, शादी करनी है, जब वो किसी के साथ रहते हैं तो उन पर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि लव जिहाद कर रहे हैं। अभी 1.5 महीने पहले की घटना है दोस्तों कि जब यूपी में मुजफ्फरनगर में एक लड़की अपने किसी दोस्त को एक नोट देने गई थी कॉलेज का, तो उसको पकड़ के मारा गया और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये लव जिहाद कर रही है। तो इस तरीके के लगातार हमले को देखते हुए 19 सितंबर को बाते अमन की यात्रा निकाली गई। ये यात्रा इसलिए भी अहम थी कि इसमें औरतों ने पार्टिसिपेशन करा, उनका पार्टिसिपेशन जो था वो 95% से ज़्यादा था। हम जो मर्द थे वो उनकी परसेंटेज जो था 4 से 5% था, बाकी जो यात्रा का नेतृत्व करा था वो महिलाओं ने करा था। इसके जो मेन ऑर्गेनाइज़र थे वो NFIW थे और अनहद थी। इसके साथ साथ जो ग्राउंड पे जहाँ पे भी गए 3000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़े। इन पांच जो यात्रा थी इसमें 100 से ज़्यादा महिलाएँ थीं और ये यात्रा जो एक टीम थी वो टंगधार कश्मीर से शुरू हुई और पंजाब कवर करते हुए, हरियाणा कवर करते हुए दिल्ली आई। एक यात्रा केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात से कवर करते हुए दिल्ली आई। एक ने मध्य प्रदेश को कवर करा, जो भी राजस्थान का इलाका है, जो भी मिडिल, जो भी हिंदी बेल्ट का इलाका है वो उन्होंने कवर करा। एक जोरहाट से शुरू हुई यात्रा। तो इन यात्राओं का जो असर था वो ये था कि लोग कितने परेशान हैं और वो क्या चाहते हैं। अगर आप ग्राउंड पर चाहते हैं तो सब अब शांति चाहते हैं। जिस तरीके का हालात है वो काफ़ी मतलब भयावह है। अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। जिस तरीके से आप देखिए, जो भी मानवाधिकार के लोग हैं, जो भी हमें हक मांगना होता है हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बट हम क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो हालत है आपने खुद देखा हो, जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, कुरियन, लोकुर, इन सबको सामने आना पड़ा और ये बताना पड़ा कि संविधान और जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सही दिशा में नहीं बढ़ रहा है, उसमें किसी तरीके का इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सवालिया निशान हमें दिखाता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए जो ये यात्रा निकली थी, हमने तकरीबन 1 लाख के करीब हमने लोगों को कवर करा। हमने कम्युनिटी मीटिंग करी, हमने प्रेस वार्ता करी, हमने बड़ी बड़ी सभाएँ करी, हमने कल्चरल प्रोग्राम करे और लोगों का जो समर्थन था वो काफ़ी अच्छा था। वो ये बताता है कि लोग अभी भी सुख शांति चाहते हैं। जो सत्ता में बैठे लोग जो ये बताना चाहते हैं कि नहीं, आप धर्म के नाम पे अलग हो, आप जाति के नाम पे अलग हो, तो हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि हम एक हैं, हमारी एकता ही हमारी पहचान है। शुक्रिया दोस्तों।